पूर्व विधायक सुप्रीम चौधरी चला जाता है, 15 अगस्त के अंदर झंडारोहण सरपंच को नहीं करने देता, सरपंच को बैठने के लिए नहीं कहता कुर्सी पर, सरपंच खड़ा रहता है भीड़ के अंदर। गुड़ा गांव का सरपंच 44 पंचायतों में से सबसे ज्यादा सफल सरपंच बनके दिखाएगा, सबसे ज्यादा विकास का काम हो चाहे और कोई काम हो, इसके रास्ते में जिस रास्ते पर आपका सरपंच चलेगा उसके 1 किलोमीटर के आसपास भी कांटे नहीं रहने दूंगा। मैं हमारे वीडियो साहब को बताना चाहता हूं, राज्य सरकार के अंदर काम में व्यस्त होने की वजह से वीडियो साहब कोई भी कारण हो, इस सरपंच की जो भी रास्ते की बाधाएं हैं पूछ के सारी हटाओ। और मैं सरपंच साहब आपको कहना चाहता हूं, आपकी जवाबदेही इस जनता के प्रति है, आपकी जवाबदेही किसी भी एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, चाहे कोई भी हो। ये व्यक्तिगत रूप से भीमाराम मेघवाल का मामला नहीं है, गांव के सरपंच का मामला है। गांव का सरपंच मेघवाल समाज का पहली बार सरपंच बना, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी इन लोगों के सामने जो आपके सामने बैठे, पहली जिम्मेदारी। एक व्यक्ति आपको सर्टिफिकेट बढ़िया होने का खराब होने का नहीं दे सकता, एक व्यक्ति। ये हमारे पवन जी बैठे जैतपुरा के सरपंच, इनके गांव के अंदर पहुंचे 15 अगस्त, 26 जनवरी कौन सा मौका था, 15 अगस्त पीछे 15 अगस्त गई तब की बात। इनके गांव के अंदर पूर्व विधायक सुप्रीम चौधरी चला जाता है, 15 अगस्त के अंदर झंडारोहण सरपंच को नहीं करने देता, सरपंच को बैठने के लिए नहीं कहता कुर्सी पर, सरपंच खड़ा रहता है भीड़ के अंदर और उस जगह के झंडारोहण करके चले जाते हैं। पंचायत का सरपंच भीड़ में खड़ा रहता है, उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती। ये सरपंच का अपमान नहीं है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें जो नियम बनाया, ये उनके साथ खिलवाड़ है। और इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग बातें करते हैं, राजेंद्र गुड्डा ने ये कह दिया, वो कह दिया। मेरी भाभी माँ भोला भाई के घर आंसू, आज लोग देखे कि आई के माड़ा गए गल, अरे माड़ा गए मेरी भाभी माँ है, माड़ा गल की बेटा के गाल सके। मैंने जो वोट लिए हैं, शुभकर्ण चौधरी को बीजेपी के नाम से वोट मिले होंगे, जाति के नाम से वोट मिले होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी और उनके जनसंघ के नाम से वोट मिले होंगे, आरएसएस के नाम से वोट मिले होंगे, राजेंद्र गुड्डा को उसके चरित्र के ऊपर से माता और बहनों का विश्वास के ऊपर वोट देता है। एक बार नहीं, राजस्थान की विधानसभा में आपने 3 बार भेजने का काम किया। किस तरह की बातें करते कि राजेंद्र गुड्डा महिलाओं का सम्मान नहीं करता। राजेंद्र गुड्डा को ए मेरी कोई काकी बैठी है, कोई बड़ी माँ बैठी है, कोई भाभी बैठी है, कोई आगे मायने भतीजी बैठी है, आंसू ज्यादा मन कोई गुंजाने क्यों काकी, इसी तरह की मात तेरा हूं ज्यादा मन कौन जाना है, तू जाना से तो कोई जाना है मन बता है के दूसरा नेता गए बोले राजेंद्र गुड्डो तो बोले लोग आए की इज्जत ही कौन करे। राजेंद्र गुड्डा को ये सिखाने की जरूरत नहीं है, जो मान सम्मान। मैं ये जो पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर पर रखी है, ये पगड़ी, इस पगड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी सोच हुआ करती थी। जब किसी समाज के ऊपर, किसी मोहल्ले पर, किसी गांव के ऊपर इज्जत पर आंच आ जाती थी तो समाज के जिम्मेदार लोग खड़े होके, उस समाज के मौजूद जिम्मेदार लोग खड़े होकर किसी के सर पर पगड़ी रखते थे कि हमारी इज्जत तेरे सर पर है। और यदि ये हमारी इज्जत तेरे सर पर है कि तेरे जरूर ऐसी विपत्ता आ जाए तो चाहे तेरी गर्दन जमीन पर कट के पड़ जाए तो लेकिन हमारी पगड़ी तो जमीन पर नहीं पड़नी चाहिए। ये इसके पीछे एक सोच है, एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है 9 गज का, ये मान सम्मान ही इज्जत का प्रतीक है। और मेरे सर के ऊपर
जो ये समाज ने जो पगड़ी रखी है वो पगड़ी तो मेरे समाज पर 30 साल 35 साल पहले से रखी हुई है। आप ढूंढते रह जाओगे एक आदमी, ढूंढ नहीं सकते एक आदमी की जो ये कह दे राजेंद्र गुड्डा, जिसने किसी दलित समाज के आदमी को मान सम्मान नहीं दिया हो, एक आदमी नहीं मिलेगा। मेरे सामने किसी आदमी का आज तक कभी कभी मैंने ना इंसाफी नहीं होने दी, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। आपको पता है इस उदयपुर वाटी में बलोक शिक्षा अधिकारी नंदलाल जी मेघवाल, बलोक CMHO तहसील का सबसे बड़ा डॉक्टर है मुकेश जी मेघवाल, और अब नगर पालिका का EO सुभाष जी पालीवाल, ये भी मेघवाल ही है। पंचायत समिति में BDO बाबूलाल जी रेकर, अब IN है वो रहे भगत रोड़े अलग मेरे, और तहसीलदार अपने गुड्डा में बस सोनो आ रही है। ऐ सारा का सारा BJP का सुपकर चौधरी का राजमामा से एक ही को ना हो, दूर दूर तक ही बना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दीपक के नीचे अंधेरा नहीं रहने दिया जाएगा, और इसके लिए आप और सबकी मैं आपसे एक वादा करता हूं, जितने भी मेरे बड़े और छोटे भाइयां बैठे हैं, माता और बहने हैं, कि मेरे मंत्री बनने के बाद मेरी ताकत बढ़ी, इसका पता तब चलेगा जब ये सारी की सारी ताकत एक एक आदमी की एक आपकी ताकत बढ़े। ईमानदारी की बात है, मुख्यमंत्री होते कोई मंत्री की, राजस्थान सरकार के किसी मंत्री की इतनी हिमाकत नहीं होती कि आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का कोई काम टाल दे, एक भी मंत्री। ये बाबा जगदीश दास जी का आशीर्वाद है, मां भवानी जगदम्बा का आशीर्वाद है, आप बस्ती माता और आप परिवार का आशीर्वाद है। राजस्थान के 33 कलेक्टर 33 SP चाहे सेक्रेटरी डायरेक्टर कोई भी हो, 700 साढ़े 700 IAS और IPS अधिकारी है राजस्थान में, किसी को फोन कर दूं तो उसका रिजल्ट आता है, ये ताकत मुझे आपने दी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेरी खाल की जुत्ती बनाकर भी पराधु था ने तो भी थारो कर्जो करो तो आपसे मुझे अति मेरी मदद करिए थाने बेरो करे अति। ईमानदारी की बात है, लोग राजनीति की बातें करते हैं, हकीकत है कि पिछले 25 साल में 30 साल में इस मोहल्ले का एक भी आदमी आज ऐसा नहीं है जिसने मेरी मदद नहीं की हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं है इस मेघवाल समाज में, सोशल कास्ट में, गरीब तबके में, गांव में, जिसने मेरी मदद नहीं की। परिवार के अंदर भी आदमी राजी और नाराज हो जाता है, लेकिन जब जब मैं कमजोरी में गांव में आया हूं आपने मुझे ताकत देने का काम किया, जब जब कमजोरी में आया हूं। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मेरे मेघवाल समाज के जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया, सरपंच साहब है, कुलदाराम जी बैठे हैं, जगदीश जी है, सत सुल्तान जी है, और बाकी के साथ जितने भी मेरे नौजवान भाई है, इन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप इसके विकास के लिए, अम्बेडकर संस्थान के लिए, अब जो मैं आपको खाली लेटर पैड पर साइन करके देके जा रहा हूं, आप जितने पैसे चाहिए, जितने आपका होल बनाना है, जो भी डेवलपमेंट यहां करना, जितने पैसे चाहिए आप भर लेना, और आप कितने भी भर लो वो रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए BDO साहब, आप अपने IN को भेज के, और ये यहाँ के जो आप आज आई गए तो IN साहब को भेज देना, कल इनके पास ये 5-7 जितने भी लोग हैं, जो भी प्रपोजल, लेकिन एक बात सुन लेना, थारला मेघवाड़ बड्डा गावड़ा 25 लाख रुपया लेगा, पता 25 500 कम नहीं रहना चाहिए।
सत्ता दो बलवती माता की जय।